मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत हो गई है। खाद की किल्लत के चलते अन्नदाताओं को एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ा। इस मामले में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्रालय में खाद की समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें सीएम ने यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी की संभागवार उपलब्धता, विक्रय तथा शेष स्टॉक की स्थिति की जानकारी प्राप्त की थी। वहीं अब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। किसानों का आरोप है कि खाद लेने के लिए सुबह से ही लाइन की कतार में लगे हुए हैं। खाद वितरण करने वाले कर्मचारियों ने किसानों को खाद देने से इनकार कर दिया। गुस्साए किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी। इस मामले में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्रालय में खाद की समीक्षा बैठक ली। इस मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि फसल की बोवनी से पहले राज्य सरकार को केंद्र से खाद मंगवा लेनी थी, लेकिन सरकार की यह अपरिपक्वता है। समीक्षा, ये टाइम समीक्षा करने का है जब किसान लाइन में खड़ा है, घंटों मारामारी हो रही है। फसल बोने के पहले समीक्षा होना चाहिए कि मेरे प्रदेश में कितने करोड़ टन खाद लगेगी, कितने लाख टन खाद लगेगी, वैसा ऑर्डर होना चाहिए। वैसी केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहिए, जिन संस्थाओं से भी खाद आती है। ये एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री है, दूरदृष्टि है ही नहीं इस आदमी में। हर साल किसानों को खाद के ट्रक लूटना पड़े हैं। पिछले साल हमारे एमएलए मनोज चावला आलोट वाले किसानों के साथ, उन पे आरोप लगा कि आपने खाद का गोडाउन लूट लिया। ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि एक जिसका विजन नहीं, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठा है और किसानों की वोट की बात करते हैं, किसान बदला लेने के लिए बैठा है बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत हो चुकी है। खाद की किल्लत के चलते अन्नदाताओं को एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ा। इस मामले में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्रालय में खाद की समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें सीएम ने यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी की संभागवार उपलब्धता, विक्रय तथा शेष स्टॉक की स्थिति की जानकारी प्राप्त की थी। वहीं अब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।